हाय फ्रेंड्स मेरा नाम है अनुभव शर्मा और आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन मिलिट्री अपडेट्स में स्वागत है इस चैनल में हम आपको इंडियन मिलिट्री और वर्ल्ड पॉलिटिक्स से जुड़ी जानकारियां देंगे तो चलिए जानते हैं आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डी ने इंडिया की एयर डिफेंस केपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए अपने एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम ई रेड्स को और एडवांस बनाने का ऐलान किया है ई e रेड सिस्टम जिसे डी द्वारा दौर प्रोजेक्ट कूशा कहा जाता है इसके तहत अब डीआरडीओ ई रेड सिस्टम प्रोग्राम में एक न्यू इंटरसेप्टर मिसाइल को इक्विप्ड करेगा शुरुआत में ई e रेड सिस्टम को दो इंटरसेप्टर मिसाइल से इक्विप्ड करने के लिए डिजाइन किया गया था पहला है ई आर सेम एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इंटरसेप्टर एयर डिफेंस मिसाइल जो कि एम आर सैम एयर डिफेंस सिस्टम पर बेस्ड है यह इंडिया और इसराइल ने ज्वाइंटली डेवलप किया है ई आर सैम को एडिशनल बूस्टर स्टेज से इक्विप्ट किया गया है जिससे यह सिस्टम सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स और फाइटर जेट्स को 150 किलोमीटर की रेंज में इंटरसेप्ट कर सकता है दूसरी इंटरसेप्टर मिसाइल है एक्सआर एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यह मिसाइल सिस्टम 250 किलोमीटर की रेंज तक किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट और 350 किलोमीटर की रेंज तक किसी भी एवेक्स और फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर सकती है अब डी इस सिस्टम को और ज़्यादा मॉडिफाई करेगा और इस सिस्टम में तीसरी इंटरसेप्टर मिसाइल को ऐड करेगा यह तीसरी मिसाइल इंडिया के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ए प्रोग्राम पर बेस्ड होगी यह मिसाइल सिस्टम 400 किलोमीटर की रेंज तक किसी भी एयरक्राफ्ट को टारगेट कर सकेगी यह इंटरसेप्टर मिसाइल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल एस और इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल आई को भी एंगेज कर सकेगी इस सिस्टम के की एक्सटेंडेड रेंज और एडवांस कैपेबिलिटी की वजह से ही यह सिस्टम इंडियन एयर स्पेस को प्रोटेक्ट करेगा तो चलिए जानते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में इंडिया अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए एक एयरबोर्न डायरेक्टेड इनर्जी सिस्टम्स की डेवलपमेंट पर फोकस करेगा इंडिया इस एयरबोर्न डायरेक्टेड इनर्जी वेपन में केमिकल ऑक्सीजन आयोडीन लेजर सी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना चाहता है यह कटिंग एज टेक्नोलॉजी सी इंडिया के मिसाइल डिफेंस स्ट्रेटजी को रेवोल्यूशनलाइज कर सकती है इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर इंडिया इनकमिंग मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है और साथ ही इनकमिंग मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है सी एक स्टेट ऑफ द आर्ट लेज़र सिस्टम है जो केमिकल रिएक्शन का इस्तेमाल कर हाई एनर्जी बीम ऑफ लाइट जनरेट करता है इस सिस्टम द्वारा जनरेट की गई लेज़र बीम बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्गर डिस्टेंस पे न्यूट्रलाइज़ कर सकती है अपनी इंडिजिनस एयरबोन लेजर टेस्ट बेड टी को डेवलप कर इंडिया एनिमी मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज़ करने की अपनी काबिलियत को बढ़ाएगी एल प्रोजेक्ट के तहत इंडिया एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई करेगा जिस पर सी ओ टेक्नोलॉजी को इक्विप किया जाएगा हाई एंड लेज़र वेपन को एयरक्राफ्ट के नोज टरेट पर माउंट किया जाएगा यह इनकमिंग मिसाइल्स की लोकेशंस और ट्रेजेक्ट्री को एनालाइज कर मिसाइल को न्यूट्रलाइज करेगा तो चलिए जानते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में थ्रोटल एयरोस्पेस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड टी जो कि रतन इंडिया एंटरप्राइजेस की एक सब्सिडरी है उसने हाल ही में इंडियन आर्मी को निम्बल आई माइक्रो अनमैंड एरियल व्हीकल यू को डिलीवर किया है निम्बल आई माइक्रो यू की डेवलपमेंट 2017 में कंप्लीट कर ली गई थी इसके बाद 2018 में इसके फ्लाइट टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए गए थे इंडियन आर्मी ने इस यू की पोटेंशियल को समझते हुए इसकी दो यूनिट्स के ऑर्डर प्लेस कर दिए थे निम्बल आई यू को इसी साल इंडियन आर्मी को डिलीवर कर दिया गया है इस यू का इस्तेमाल इंडियन आर्मी इंटेलिजेंस सर्वेलेंस और रिकॉनिसेंस मिशन में करेगी इस यू का इस्तेमाल बॉर्डर सर्वेलेंस डिज़ास्टर मैनेजमेंट जैसे फॉरेस्ट और वाइल्ड फायर मोनिटरिंग में किया जा सकता है इस माइक्रो यू को लाइट वेट कम्पोजिट्स मटीरियल से बनाया गया है इस यू का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट दो के है इसकी पेलोड कैपेसिटी पॉइंट फाइव केजी है यह यूएी पाँच किलोमीटर के एरिया तक उड़ सकता है इस यूए की एंडोरेंस लगभग तीस मिनट की है तो चलिए जानते हैं आज की अगली बड़ी न्यूज़ के बारे में इंडियन आर्मी और मंगोलियन आर्म्ड फोर्सेस मिलकर मंगोलिया में नोमैडिक एलिफेंट मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंडियन आर्मी के तिरालीस पर्सनल मंगोलिया पहुंचे हैं यह ऑफिसर्स इंडियन एयरफोर्स के सी सेवनटीन एयरक्राफ्ट से मंगोलिया में लैंड हुए यह एक्सरसाइज 17 जुलाई 2023 को शुरू हुई जो कि मंगोलिया के उलन बाटर में कंडक्ट की जा रही है इस एक्सरसाइज का एंड 31 जुलाई 2023 को होगा नोमैडिक एलिफेंट तेईस इंडिया और मंगोलिया के बीच होने वाली एनुअल ट्रेनिंग इवेंट है जो कि अल्टरनेटिवली दोनों देशों में कंडक्ट की जाती है इससे पहले की नोमैडिक एलिफेंट तेईस एक्सरसाइज स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल बकलोह में अक्टूबर 2019 को कंडक्ट की गई थी अब हाल की एक्सरसाइज में प्लाटून लेवल फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है इस एक्सरसाइज में दोनों देश इंडिया और मंगोलिया मिलकर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को माउंटेनस टेरेन में कंडक्ट कर रहे हैं इस एक्सरसाइज से दोनों देशों के ट्रूप्स के स्किल्स और ऑपरेशंस कंडक्ट करने की कैपेबिलिटी को बढ़ाया जा रहा है इस एक्सरसाइज में एंडोरेंस ट्रेनिंग रिफ्लेक्स फायरिंग रूम इंटरवेंशन स्मॉल टीम टैक्टिक्स और रोक क्राफ्ट ट्रेनिंग जैसी एक्टिविटीज़ पे फोकस किया जा रहा है इंडिया और मंगोलिया के सोल्जर्स एक दूसरे के ऑपरेशनल एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और आइकन जरूर दबाएँ और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जय हिंद भारत माता की जय